बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास, ये एक्सरसाइज नंबर रिव्यू का लेक्चर नंबर 2 है, जबकि यूनिट नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 22 है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। इफ़ पी इज़ इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3, फाइंड। अब 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है पी प्लस 1 ओवर पी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पी को लेंगे और उसके बाद इसको 1 ओवर पी की कीमत मालूम करेंगे। तो 1 ओवर पी की कीमत मालूम करने के लिए हम इसको 1 ओवर 2 प्लस के रूट 3 लिख देंगे और इसको रैशनलाइज कर देंगे। डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करने का मतलब ये है, नीचे वाली वैल्यू में ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ना आए, हाँ ऊपर आ सकती है। अब हम इसको रैशनलाइज करने का तरीका सीख चुके हैं कि आपने ये प्लस वाली वैल्यू है तो इसको माइनस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीपल कर देना है, नीचे वाली को भी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीपल होगी और नीचे वाली नीचे, तो ये 1 से मल्टीपल हुआ तो 2 माइनस के रूट 3 आया। ये 2 प्लस के रूट 3 और 2 माइनस के रूट 3 को जब हम मल्टीपल किया तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ गई, नीचे आ गया 2 का स्क्वेयर 4 और स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होकर 3 आ गया। ये 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3 ओवर 1 आ गया और ये 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आ गया 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3। अब हमने ये जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा था पी प्लस 1 ओवर पी, अब ये हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने लिखा पी प्लस 1 ओवर पी इज़ इक्वल टू, मैंने पहले ये दो ब्रैकेट्स लगा ली और दरमियान में प्लस लिख दिया और इसके अंदर पी की वैल्यू पुट कर दी और इस ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर पी की वैल्यू पुट कर दी। अब ये आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये प्लस है, इससे जब अंदर मल्टीपल करें तो साइन चेंज नहीं होते, वैसे वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो लिहाजा ये आ गया प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 प्लस का है और ये स्क्वायर रूट 3 माइनस का, ये कैंसिल हो गए, 2 में 2 को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। अब सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है पी माइनस 1 ओवर पी, तो हमने लिखा पी माइनस 1 ओवर पी, पी के लिए मैंने पहले ब्रैकेट लगाई, फिर माइनस लिखा, फिर 1 ओवर पी के लिए भी मैंने ब्रैकेट लगा दी। पहली ब्रैकेट में पी की कीमत पुट कर दी और दूसरी ब्रैकेट में 1 ओवर पी की कीमत पुट कर दी। अब ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ गया, चूँकि ये बाहर माइनस है, ये दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये 2 माइनस का हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस का हो जाएगा। अब ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। डियर स्टूडेंट, जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ इस तरह आ जाएँ तो असल में बाहर इनके कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, और अगर किसी के बाहर यहाँ पे कोई नंबर ना लिखा हो तो फिर उसे 1 कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे 1 इसके साथ लगा हुआ है और 1 इसके साथ, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। अब हमने फाइंड करना है पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं पी प्लस 1 ओवर पी की कीमत हमारे पास निकली है 4। हम इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स कर देंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया तो वो आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने जब ये फार्मूला लगाया तो ये आ गया पी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 1 ओवर पी, ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये पी इस पी से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन गई पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 16। ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 माइनस 2, यानी कि 14 इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं पी प्लस 1 ओवर पी मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस 1 ओवर पी। क्यों? क्योंकि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। तो ये ए आपके पास पी है और बी आपके पास 1 ओवर पी है, तो आप इसके जगह पे लिख सकते हैं पी प्लस 1 ओवर पी
इंटू पी माइनस वन ओवर पी। अब पी प्लस वन ओवर पी की कीमत हमने निकाली थी 4, और पी माइनस वन ओवर पी की कीमत हमने फाइंड आउट की थी 2√3। ये दोनों को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, जब 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये √3 वैसे ही आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये 4 को सिर्फ 2 से मल्टीपल करना है, ये 4 को √ के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीपल नहीं करना।